नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों। मध्य प्रदेश के सिवनी में स्वतंत्रता दिवस मनाया। सिवनी जिला सहकारी बैंक सिवनी में ध्वजारोहण महाप्रबंधक आरएस पटेल व बैंक अधीक्षक तुलसी प्रसाद बघेल व समस्त स्टाफ ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। ग्राम पंचायत बिरूली, नागजार, गुड़मा व पोनार में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गंगेरुआ जिला सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक कन्हैया लाल दुबे व समस्त स्टाफ की ओर से पूर्व सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक पंचेश्वर हरिनखेड़े का सम्मान किया गया। धारणा व बरघाट के जिला सहकारी बैंक व सहकारिता में ध्वजारोहण किया गया। धारणा पोनार स्कूल जीनियस एम्पायर में इंडिया न्यूज 28 जिला ब्यूरो संजय काड़े मुख्य अतिथि में ध्वजारोहण किया गया, जिसमें स्कूल डायरेक्टर, एचएम व शिक्षक शिक्षिका समस्त स्टाफ शामिल थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इंडिया न्यूज 28 से जिला ब्यूरो संजय काड़े की रिपोर्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जिला सहकारी बैंक धारणा पर हूँ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 28 से ग्राउंड रिपोर्ट में संजय काड़े। आप तमाम अधिकारी यहाँ पर और कर्मचारी बैंक के भी हैं, साथ में सहकारिता के अध्यक्ष भी है और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सबने मास्क लगाया हुआ है और यहाँ पर आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही है। आई इस संबंध में यहाँ के ब्रांच मैनेजर से जानते हैं। मेरे साथ जिला सहकारी बैंक के ब्रांच मैनेजर राजेश सनोड़िया जी हैं। सनोड़िया जी, आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के जनता को? स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज जिला सहकारी बैंक शाखा धारणा कला में ध्वजारोहण किया गया है। इसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं पूरे सहकारी परिवार की ओर से देना चाहता हूं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। और जिला सहकारी बैंक हमेशा से अग्रणी सेवा देते आया है। समस्त किसानों एवं अमानतदारों को स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ। शाखा प्रबंधक हैं नागेश्वर जी। नागेश्वर जी, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता को आपके बैंक के बारे में, बताइए जरा। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शाखा के समस्त अमानतदार जी एवं कृषक बंधुओं को शुभकामनाएं तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक हमेशा ही कृषकों की सेवा करते आ रहे हैं। और भारत माता की जय। भारत माता की जय। सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता की जय। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। अमर शहीदों की जय। किसान जुड़े हुए आपकी सहकारिता से क्या संदेश देना चाहेंगे 15 अगस्त आज? वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति धारणा कला में आज ध्वजारोहण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस क्षेत्र की समस्त किसान बंधु और जनता को स्वतंत्रता 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर धन्यवाद। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ जीनियस एम्पायर स्कूल पोनार पर हूँ और तमाम शिक्षक और शिक्षिका मेरे साथ हैं। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है यहाँ भी, और सब ने मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। हम यहाँ के स्टाफ है और यहाँ के प्रभारी, उनसे हम जानना चाहेंगे। मेरे साथ इसी स्कूल के डायरेक्टर हैं राजेंद्र रांगडाले जी। रांगडाले जी, अभी देखा जाए तो कोविड 2 साल से जो चल रहा है देश के अंदर और स्कूल में भी बंद हैं, तो बच्चों को कैसा आप कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई, बताइए जरा। जी, सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पे आप सभी को शुभकामना देता हूँ, पूरे देशवासियों को। और जैसा कि 2019-20 सत्र से ही कोविड-19 जो है वो चालू हो गया था, तो उसके कारण स्कूल में बहुत ज़्यादा समस्याएँ आईं और अभी हम लोग वर्तमान में ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण जो कार्य है उसको हम पूर्ण कर रहे हैं। और हमारी बस यही गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि वो इस संबंध में हमें और भी दिशा निर्देशन करते रहें। बस हमें यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्कूल ओपन हो जाएं और इस बीमारी भी से भी छुटकारा मिले जल्द से जल्द। और इसी
अच्छा देखने में आ रहा है, अधिकतर मैं बहुत से बच्चों से पूछता हूँ, कई बच्चे जो अदर स्कूल और भी जाते हैं तो स्कूल का नाम भूल गए दो साल के अंतराल में। जी जी जी, होता है। हमारा जैसे जैसे कि जीनियस एम्पायर स्कूल पौनार है, थोड़ा सा बच्चों को लेने में डिफ़िकल्ट भी होता है, और स्कूल का नाम तो ठीक है और भी बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो बच्चे भूल चुके हैं, और जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत जल्द से जल्द पुरानी जितनी भी जो पढ़ाई छूटी हुई है उसको हम रिकवर कर देंगे। तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 28 से, मैं संजय काढ़े जिला ब्यूरो। जीनियस एम्पायर स्कूल के HM हैं मैडम, जैसा शिक्षक अभी बाजू में खड़ी हैं आपके जी, दो साल का अंतराल में कोविड में स्कूल भी बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो ऐसा कुछ शिक्षा लोग आपको परेशान तो नहीं करते कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत सहयोग नहीं मिल रहा पूरा, ना टीचर स्टाफ का पूरा सहयोग मिल रहा है हमको। और क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों के लिए, बोलिए थोड़ा संदेश दीजिए। और वही है बच्चों के लिए कि बच्चे घर पर रह करके भी जो ऑनलाइन टीचर लोग जैसे देते हैं निर्देश, उस आधार पर वो अपना वर्क कम्प्लीट करते रहें और अपनी पढ़ाई को आगे चालू रखें।